आज दीपक श्रीवास्तव तो आपको हाउस बनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं पेंसिल शेडिंग से। तो सबसे पहले आपको हाउस ड्रॉ कर लेना है। सबसे ए बनाना है आपको, बिग ए बनाना है। स्लीपिंग लाइन खींचनी है, स्लैंटिंग लाइन खींचनी है। बच्चे स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं, हट के लिए स्लीपिंग लाइन रहेगी, ठीक है। इसको पैक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको स्टैंड लाइन खींचनी, एक लाइन ये थोड़ी लंबी रहेगी, ये थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक है। ये आपको दिखा दे रहे हैं, इसको हल्का सा स्लैंटिंग आपको लेना है। ये वही लाइन भी आपको 3D दिखाने के लिए हल्की से ऊपर लेनी है और इसको भी हल्का स्लैंटिंग करना है, तो आपको 3D दिखेगा। आपके बच्चे यहाँ पे भी घर का डोर बनाना चाहते हैं, यहाँ बना दीजिए। अगर यहाँ चाहते हैं तो यहाँ बनाइए, वरना यहाँ पे विंडो बना लीजिए आपने। यहाँ पे हम विंडो बना दे रहे हैं। इसमें भी आपको स्लैंटिंग लाइन खींचनी है। इस टाइप से आपको स्लैंटिंग लाइन खींचते जानी है। केवल हाउस हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें आपको ऐसा यू बच्चों का ऐसा कर्व कराते जाना हर थोड़ा दूर पे। पहले बच्चों से हल्की लाएँ पेंसिल, बहुत प्रेस नहीं करना है, बच्चों को एकदम हल्के यहाँ से करवाना है। ये 4B 2B HB पेंसिल है, इससे इतनी डार्क चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें शेडिंग करेंगे एक एक पैटर्न को लेकर। छोटे बच्चों को तो आप केवल इतना बना के उसमें कलर करवा सकते हैं, और जो सेकेंड थर्ड के बच्चे हैं उनको शेडिंग करने का शौक रहता है तो वो इस टाइप से शेडिंग कर सकते हैं, एक एक बॉक्स में एक एक बचा के। ये देखिए इस टाइप से ऐसे सारे बॉक्स को आपको शेडिंग करना है, पूरा जगह नहीं करना, हल्का सा वाइट छोड़ना है आपको। इस टाइप से आपको पूरे हट में स्टेप कर लेना है, शेडिंग कर लेनी है। पेंसिल सीधी पकड़नी है, स्टेप से हल्के से फ्लैट टच करके, एकदम स्टैंडिंग में नहीं पकड़नी है। इस जगह को आपको ब्लैक करना है। इसको ब्लैक कर देना है आपको इस जगह पे। आपको अगर मन है तो यहाँ पे हल्की हल्की से ऐसे शेडिंग कर देनी है, हल्की घास से इस टाइप से, बिल्कुल हल्के घास से। आपको ज़्यादा पेंसिल को प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का चलाते जाना है। फिंगर से भी आप ऐसे मर्ज कर सकते हैं, इस टाइप से बच्चे मर्ज करते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं, कपड़े से भी ले सकते हैं आप, पेपर कपड़े से या टिश्यू पेपर से भी आप मर्ज कर सकते हैं इसको। हल्का हल्का कहीं कहीं पर शेड पड़ रही, इस टाइप से दिखा देना है। फिर यहाँ पर आपको डोर बनाना है, इस जगह पे आपको डोर की लाइन करनी है। इसको थोड़ा और ब्रॉड करना है, जो हम लोग का मेन डोर का बगल में जो लकड़ी का फ्रेम होता है उसको दिखाना है। यहाँ से आपने रोड दिखा दी, ठीक है। यहाँ पे विंडो बनाया आपने दो लाइन खींच के, इधर से भी दो लाइन खींचनी है आपको। इसकी भी डबल लाइन आपको करनी है इस टाइप से। इधर भी आपको हल्का सा शेडिंग, ये भी इस जगह से शेडिंग देनी है आपको, इस जगह से। इसको आप फिंगर से मर्ज कर लिए, और नहीं तो फिर टिश्यू पेपर या फिर कपड़े से इसको वापस डार्क कर देना है। ये आप सिंपल सा आपका घर हो गया। यहाँ पे हल्के से हम एक बेल बनवा दे रहे हैं। पेड़ पे क्या होती है, घरों में झोपड़ियों के पीछे ऊपर बेल जम जाती है, तो थोड़ा बच्चों को ये सब चीज़ें बतानी है। अभी गर्मी छुट्टी में आप लोग घर जाने वाले हैं, तो जो लोग विलेज में एकदम रहते हैं उनको ये सब दिखाना है। कई बच्चे बोलते हैं मेरे हम विलेज नहीं देखे, तो आप जब ट्रेन से जाते हैं तो भी आप वॉच कर सकते हैं। ट्रेन में पूरे मोबाइल को ना देख करके आप नेचुरल चीज़ों को भी देखिए कि वहाँ पे पेड़ कैसे दिख रहे हैं, घर के ऊपर कैसे छत पे पेड़ जगह हैं। यहाँ से लैंडस्केप भी आपको डिवाइड कर देनी है। यहाँ पे बुशेस आप बना दीजिए इस टाइप से, यहाँ पे बुशेस दे दीजिए। हम केवल घर को बता रहे थे, बट यहाँ पे हल्का सा पॉन्ड बना दीजिए, एक पूरी ड्राइंग आपकी रेडी हो जाएगी। इधर क्लाउड दीजिए, इधर भी क्लाउड दीजिए। सन चाहिए, सन इसमें छुपा हुआ दिखाइए, इसमें से रोशनी निकालिए आप, इसके से रोशनी निकालिए। वी बना करके बर्ड बनानी है, वी बना के बर्ड बनानी है। वी बनाना है, एक लाइन इधर से खींचनी है, इस बार इधर से खींचनी है,
जितनी दूर होगी उतनी छोटी होती जाएगी, ठीक है। पास वाली एकदम बड़ी दिखेगी। यहाँ पे एम बनाइए, वन टाइम एम बनाइए, टू टाइम एम बनाइए, ठीक है। और डायरेक्ट आप अगर आपको आता है तो डायरेक्ट आप स्टेप से कर सकते हैं। ये देखिए स्टेप से सर्कल सर्कल बना दीजिए। और इसमें भी आपको स्क्रिबलिंग करनी है। बुशेज में आपको क्या करना है, ऐसे से कहीं पे प्रेस करना है ब्रश पेंसिल को, कहीं पे हल्के हाथ से करना है। इस टाइप से पूरा इसको हल्के हल्के स्क्रिबलिंग करते जाएंगे। प्लांट चाहिए तो प्लांट टाइप बना दीजिए इधर से। एक पूरे टाइम आपकी सीनरी रेडी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप पॉन्ड देना चाहिए पॉन्ड दे दीजिए। इस जगह पे भी हम पॉन्ड दे करके कोई भी ड्राइंग बनाइए, खूबसूरत बनाइए। लैंडस्केप जो डिवाइड कीजिए, केवल हाउस अगर टॉपिक आ गया तो केवल हाउस बना के नहीं छोड़ देना है। उसके पीछे का बैकग्राउंड भी आप बनाइए तो आपको प्राइज़ मिलता है, ठीक है। आप अच्छे से ड्राइंग बनाइए, अच्छे से कलरिंग कीजिए, पेंसिल शेडिंग कीजिए। कभी अचानक कुछ कोई किसी ने बोल दिया ड्राइंग बनाने को तो ऐसा नहीं कहना है कि मेरे पास कलर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आप तुरंत अपने ब्रेन से यूज़ करके, कभी अगर आपके पास पेन है तो पेन से पूरी ड्राइंग बना के दे दीजिए। पेन से इसी ड्राइंग को पूरा पेन से बना कर उसमें शेडिंग कर दीजिए पेन से, ठीक है। अभी हमें पेन से भी इसको दिखा देंगे आपको। इस टाइप से आप बना कर उसको दीजिए। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बहुत से लोगों को भेजिए। गर्मी छुट्टियाँ आ रही हैं तो आप लोग घर में एक ड्राइंग को एक पैशन बनाइए, क्योंकि ड्राइंग हर जगह काम आता है, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शीशा लगा इसे दो लाइन से खींच देना है। यहाँ पे भी आप चाहिए तो